बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर सामने आ गई हैं आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक बार फिर एक के बाद एक सात पोस्ट कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। रोहिणी आचार्य ने शुरुआत की तेजस्वी के लिए लिखे गए एक पोस्ट के जरिए। फिर उन्होंने लिखा डीएनए नहीं एनडीए। फिर उन्होंने लिखा कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। इसके बाद रोहिणी ने फिर तेजस्वी की तस्वीर के साथ लिखा कि बिहार तेजस्वी के साथ है। फिर उनका निशाना था नीतीश कुमार पर और उन्होंने लिखा उसके साथ रहना बेकार है जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है। फिर रोहिणी ने पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया और थोड़े कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल कर डाला। रोहिणी फिर अपने भाई तेजस्वी के वीडियो के साथ आई और लिखा कि जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, खुद के साथ साथ बिहार का हौसला भी बढ़ाएंगे। इससे पहले इसी हफ्ते रोहिणी ने तीन पोस्ट किए थे जिसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी खासी बढ़ गई थी। विवाद बढ़ने के बाद रोहिणी ने तीनों पोस्ट डिलीट भी कर दिए थे। आप जो फिलहाल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उन तीनों पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स हैं। वैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में रोहिणी के भाई और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो बाकायदा एक पूरी कविता ही पोस्ट कर दी जिसकी अंतिम लाइनें कुछ यूं हैं कि तेरा अंत होगा और अंत होगा तेरे भावों का, कोई स्थान नहीं होगा तेरा जब बात होगी तेरी भावों का। कुल मिलाकर देखें तो बिहार में सरकार गिरने के बाद पोस्टर वॉर से लेकर सोशल मीडिया वॉर तक की शुरुआत हो गई है। लेकिन आरजेडी की नाराजगी से इतर नीतीश कुमार तैयार हैं 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने के लिए।